हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अंडर वाटर सर्विसेज कंपनी लिमिटेड सैमसन मैरीटाइम लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 448 ITR पेज नंबर 691 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 अक्टूबर 2021 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जब भी असेसी के यहाँ सर्च होती है तो असेसी के यहाँ से डिपार्टमेंट को जो भी मटेरियल मिलता है, चाहे वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल की डेफिनेशन में आता हो या इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल की डेफिनेशन में ना आता हो, डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो असेसी के जरूर अपने साथ सीज कर लेता है। सर्च के बाद जो असेसमेंट की मर्यादा है वो ये है कि असेसी को एक नोटिस इशू किया जाता है सेक्शन 153A के अंदर, जिसके तहत असेसी को ये कहा जाता है कि आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करिए। इस केस के अंदर असेसी को सेक्शन 153A का नोटिस इशू किया गया, असेसी के यहां से मटेरियल इकट्ठा किया गया, असेसी को नोटिस दिया गया। असेसी ने उस नोटिस के अवज में डिपार्टमेंट को यह कहा कि मुझे वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाए जो मटेरियल आप मेरे यहां से ले गए हैं, ताकि मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर पाऊं। लेकिन इस स्टेज पर डिपार्टमेंट जनरली ये कहता है कि पहले आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करिए, फिर आपको हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। अब जो मेन प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है वो असेसी की रिटर्न फाइल करने के पहले उसको दिया जाना चाहिए या बाद में दिया जाना चाहिए। यही मैटर जो है वो इस केस में डिस्प्यूट का था। तो जब ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मैटर में बहुत ही अच्छी बात कही और सेक्शन 153A के नोटिस को क्वैश करते हुए कहा कि एसएससी अपने इनकम टैक्स की रिटर्न तो पहले ही फाइल कर चुका है, डिपार्टमेंट के वो पास एसएससी की सारी इनकम टैक्स की रिटर्न है। अब आप असेसी को ये कह रहे हो कि आप अपनी दोबारा रिटर्न फाइल करिए सर्च के बाद, तो यदि उसको मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो असेसी के पास कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं, वो अपनी जो पुरानी रिटर्न है वो उसी को दोबारा फाइल करेगा। तो इट विल बी ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज, ये एक बेकार की एक्सरसाइज होगी। इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना यह था कि यदि आप असेसी को सेक्शन 153A का नोटिस देते हैं तो आप उस नोटिस के अंदर बताइए कि आपने कौन सा मटेरियल जो है वो असेसी का सीज किया है, चाहे वो सर्च के अंदर हो, चाहे वो रिक्विजिशन के अंदर हो, या आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो सीज करके लाए हैं वो आप असेसी को प्रोवाइड कीजिए। हाईकोर्ट का यह कहना था कि जब तक आप उसको मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो सर्च के बाद असेसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऐसी इनकम है जो असेसी को लेनी चाहिए थी, जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, या उसने अपने रिटर्न में नहीं ली, या कौन से मटेरियल के ऊपर जो है वो डिपार्टमेंट रिलाई करने जा रहा है। तो ये एक बहुत जस्टिफाइड डिसीजन है जिसके अंदर कोर्ट एक बहुत अच्छा लॉ लेट डाउन किया कि यदि आप असेसी को सेक्शन 153A का नोटिस इशू करते हैं और उसको ये कहते हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करिए क्योंकि आपके यहां सर्च हुई थी, तो ये जरूरी है कि आप उस नोटिस के अंदर बताएं कि आपके पास क्या इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, आप किन स्टेटमेंट्स पे रिलाई कर रहे हैं, और वो सारे कागज जो हैं वो एसएससी को नोटिस के साथ प्रोवाइड कराएं ताकि एसएससी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर पाए। इसी तरीके से यदि हम इस फैसले का सही इंटरप्रिटेशन देखें तो इससे यह भी बात निकल के आती है कि चाहे वो सेक्शन 153A का नोटिस हो तो उसके अंदर भी बात यही रहती है कि एसएससी को दोबारा रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाता है। इसी तरह सेक्शन 153C के अंदर उस एसएससी को नोटिस भेजा जाता है जिस एसएससी के दस्तावेज जो हैं उस एसएससी के यहां सर्च में मिलते हैं जिसके यहां सर्च हुई होती है। या यदि हम इसको थोड़ा सा और लेंथ में लेकर के जाएं तो सेक्शन 148 का जो नोटिस आता है उसके अंदर भी एसएससी को यह कहा जाता है कि आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करिए, तो वो तो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न पहले ही फाइल कर चुका होता है। तो
यदि सेम एनालॉजी को हम यूज करें तो ये बात कही जा सकती है कि जब कभी भी एसएससी को दोबारा रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाता है, चाहे वो सेक्शन 153A हो, चाहे सेक्शन 153C हो या 148 हो, तो एसएससी को नोटिस के साथ ये बताना चाहिए कि आप कौन से मटेरियल पर रिलाय कर रहे हो, कौन सा सीज्ड मटेरियल है, ताकि एसएससी अपनी रिटर्न को सही तरीके से फाइल कर पाए। फ्रेंड्स, इस केस का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 153A के केसेस को डील करने के लिए हमने पिछले टाइम में देखा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 148 के अवज में भी और वैसे भी बहुत अच्छे डिसीजंस दिए हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की काफी महत्ता है।